ओम शांति। 5 मार्च, साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्तनशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्तनशीन बनना है तो मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप के यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वह बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है यह भी बताते हैं। भारत जो पावन था वह पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई है? रावण ने। राजाई गंवा दी तो फॉल हुआ ना? कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इसी भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। भल हम रहते गृहस्थ व्यवहार में हैं, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। है तो वह भी भारत के मनुष्य, परंतु वह देवी गुण वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे देवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहाँ तो है प्रारब्ध। यहाँ पुरुषार्थ कर देवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है, हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है। पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी भोजन है, इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं, सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वालों के लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए क्या इस बिगर तुम मर जाएंगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो? स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह होंगे सतो प्रधान, फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं ना? जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है, तो वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेगी कि इन बिगर हम रह नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, यह तो सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं? कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना? अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं। बरोबर
या लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स, देवी फ्लावर्स का राज्य है ना? जरूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने है ना? तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे, बाप ने आकर के ये फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना? यह नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते, यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो। और जो भी सत्संग है वह सब निवृत्ति मार्ग के हैं। यह एक ही बाप है जिसको माता पिता कह पुकारते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है, मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, यहाँ भल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो न सके, सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना न सके। सोने की महल होते ही है सतयुग में, यहाँ सोना है ही कहाँ, वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरत लगे हुए होंगे, यहाँ तो हीरो का भी कितना दाम हो गया है, ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने समझाया है नई दुनिया में फिर सब नई खानियां भरतू हो जाएंगी, अभी ये सब खाली होती रहेगी। दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरतों की थालियां भेंट की, हीरे जवाहरत तो वहाँ तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं, तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों जवाहरतों की थालियां भर कर देते हैं, बाकी वह तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, जो तुम बुद्धि में भरते हो, जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी, यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही तुम साथ ले जाते हो। बाप की याद और यह नॉलेज है मुख्य, तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो, नॉन वायलेंस अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स हैं, परंतु नाम निशान का पता नहीं है, ऐसे तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है, अननोन वॉरियर्स नॉन वायलेंस ये तुम्हारा नाम है। सबसे पहली पहली हिंसा है यह विकार, जो ही यह आदि मध्य अंत दुख देती है, इसलिए तो कहते हैं हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता, यह तुम बच्चे जानते हो, अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं। बाप से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है, माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो, तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से, कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है, मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। बाप कितना समझाते रहते हैं फिर भी समझते नहीं, तकदीर में नहीं है तो एक दो के देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो, आत्मा
और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा विनाशी है। हर एक का ड्रामा में पार्ट नोंद हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर 9-10 लाख होंगे। सत्युग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, प्रलय तो कभी होती नहीं। तुम जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती है, उनका भी झाड़ है, बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना? पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं, यह भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है, विचार करो। अभी है कलयुग, सत्युग में एक ही धर्म था, तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे? अभी कितने मनुष्य, कितने धर्म हैं? इतने सब जो पहले नहीं थे, वह फिर कहाँ जाएंगे? सभी आत्माएं परमधाम में चली जाती है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर यह पद पाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सबको वापस घर ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर मदर। तख्त नशीन बनने के लिए उनके चलन अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बेंच पर ही तुम किसको भी अच्छी रीति बैठ समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते, चित्र फ्री दे दो। बाबा सौगात देते हैं, पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे। बाबा का भी खर्चा होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। घर तो एक ही है ना, इन ट्रांसलेट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे? पुण्य का काम हुआ ना, मनुष्य को कांटे से फूल, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसको विहंग मार्ग कहा जाता है। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत हैं, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। यह हट्टी है ना? बाप कहते हैं, इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, और कोई दे न सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारी में भी नंबर वार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं। यह है पढ़ाई। भगवान बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है, फिर सबको साथ ले जाऊंगा। श्रीमत पर चल, पासित ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सबसे बूढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है। शिव बाबा कहते हैं, मैं बूढ़ा नहीं, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि, तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ। कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। सत्युग में इन ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, ऐसे बाप को फिर फारगति दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है, महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं, तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा
महारानी बनेंगे। यह है मृत्यु लोक। बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं? पतित भिखारी। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो न सके, कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, सिवाय ज्ञान की बातों के। और कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। संग तारे कुसंग बोरे, जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो, वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे, सर्विसेबल वफादार फरमान वरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है, किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फसानी है, माया का थप्पड़ न लगे यह संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है, फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फुल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। विस्तार, जो बच्चे स्वमान में रहते हैं उन्हें कभी भी अभिमान नहीं आ सकता, वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हांजी में निर्माण। छोटे बड़े ज्ञानी अज्ञानी माया जीत व मायावश, गुणवान हो या कोई एक दो अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थी हो, लेकिन स्वमान वाले सभी को मान देने वाले दाता होते हैं, अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं। स्लोगन, स्नेही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। ओम शांति।